हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ये वीडियो 1 जनवरी की है, जब हम लोग प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में गए थे। तो आइए आप भी देखें कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। इस शताब्दी महोत्सव का भव्य आयोजन 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए किया गया है। इसका ओपनिंग सेरेमनी 14 दिसंबर 2022 को था, जिसमें पीएम मोदी इनॉग्रेशन के लिए आए थे। अहमदाबाद रिंग रोड पर बना ये विशाल नगर, जिसे स्वामी नगर नाम दिया गया है, लगभग 600 एकड़ भूमि पर बसाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या खासियत है इस नगर की। और यहाँ इस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि बाल नगरी, अक्षरधाम मंदिर, लाइट एंड साउंड शो, ग्लो गार्डन और भी बहुत कुछ। यहाँ पे बैठकर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। खैर, मुझे जो फील हुआ वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं और इस नगर को देखते हैं तो आप एक अलग प्रकार का अनुभव प्राप्त करेंगे, कुछ शांत डिवाइन जैसा। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है और जैसी प्रस्तुति की गई है, आप बिना उससे आकर्षित हुए नहीं रह सकते हैं। इतना खूबसूरत ये बनाया गया है और मुझे लगता है कि इस सारी प्रस्तुति में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय किया गया है। अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रस्तुति, हर एक क्रिएटिविटी, जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया गया है, उससे आपको कोई ना कोई संदेश मिल रहा होता है। वो देखने में तो खूबसूरत होता ही है, अच्छा लगता ही है, पर साथ ही साथ कोई ना कोई संदेश मिल रहा होता है। और बेसिकली यहाँ पे मोरल एजुकेशन के साथ साथ अपने खुद के स्ट्रेंथ पे काम करने का भी संदेश दिया गया है। खैर, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप भी देखिए और बताइए कि ये आपको कैसा लगा।
और प्रेजेंटेशन के पीछे की जो मेहनत है उसको देख के मैं बस अचंभित हूँ। और इतना खूबसूरत बनाया कि ये दिन में भी बहुत सुंदर लगता है और रात में तो इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। शायद इसलिए रात को भीड़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रात हो रहा था, हमें निकलना था, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। हम भी बहुत कुछ नहीं देख पाए, बट जितना ही देखा वो बहुत अमेजिंग था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।